हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है, बीपीएससी टीआरई 2.0। देखिए, इसमें एक अभ्यर्थी का काउंसलिंग होने के बाद भी उसका काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है, आप भी जानिए क्या कारण था जिसके कारण उनका काउंसलिंग प्रपत्र यानी काउंसलिंग लेटर मिलने के बाद भी रद्द कर दिया गया है जाँच उपरांत। जैसा देखिए, प्रेषक उपनिदेशक सेवा में चंद्रशेखर पाल, सन ऑफ अथाई राम पाल, कैटेगोरी यूअर था, रोल नंबर 6372 था, एड्रेस विलेज अर्जुन पट्टी, पोस्ट सियादेश, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, 22/15/03। ठीक है दोस्तों, काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर निरस्त करने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर आपका काउंसलिंग दिनांक 28/12/2023 को करने के उपरांत आपको काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर निर्गत किया गया है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में पाया गया कि आपके द्वारा प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक या ज्ञापांक 2318 दिनांक 14/12/2022 में अंकित मार्गदर्शक के आलोक में प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर के आधार पर विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 से 12 के पद पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 से 12 के पद हेतु दिनांक 28/12/2023 को निर्गत काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन लेटर पत्रांक 188 दिनांक 28/12/2023 यूनिक आईडी 14/85/47/8 को निरस्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों निरस्त किया जाता है, क्योंकि इन्होंने प्राचीन इतिहास से 11-12 में काउंसलिंग कराया था और उसका लेटर जो है शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा भी लिखा गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा मनोज कुमार द्वारा कि प्राचीन इतिहास से जो भी स्नातकोत्तर पास करके और 10+2 में ज्वाइनिंग लिए हैं उनका काउंसलिंग यह इस बहाली में मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका लेटर रद्द कर दिया गया था।